देखिए द सेम थ्योरम प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री. कल हमने किया था, उस समय हमने इसको माइनर आर्क लिख करके किया था. ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल विच आर नोन एज योर कॉन्साइक्लिक. जॉइन ए विद ओ एंड बी विद ओ, यानी कि ओ इज जॉइंट और लिंक और कनेक्टेड विद योर ए एंड बी, जस्ट मेकिंग एज अ रेडियस. एंड देन वी हैव अप्लाइड एन आर्क विच सब्टेंड द एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. एट लास्ट टू फाइंड आउट ए प्लस सी आई हैव यूटिलाइजेस द सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज योर 180 एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंड डी विच वॉज योर 180 देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 360 देन द लास्ट स्टेप वॉज योर ए प्लस सी इज इक्वल टू 180. बी प्लस डी वॉज ऑलरेडी फाइंड आउट अर्लियर. आज उसी मेथड को ना करते हुए फिर मैं दोबारा आपको करवा रहा हूं दूसरे मेथड से. क्लियर लिखा है अगेन बाय अल्टरनेटिव मेथड या अनदर मेथड. देखिए अल्टरनेटिव मेथड में आपका देखिए मैथमेटिक्स में मैंने आपको बार बार बोला है कि वही बच्चा कारगर होगा जिसकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी होगी. ये याद रखेगा. एंड व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन आइदर एनी टॉपिक फिगर बनाना सीख लो, आपके 40% की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. आजकल क्या करते हैं, किताब में फिगर बनी बनाई आती है, आपने खाली कैलकुलेट करना होता. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो सोचता हूं अगर आपको परफेक्ट मैथमेटिक्स चाहिए, परफेक्ट मैथमेटिक्स है किसकी, ये तो भगवान ही माने. ये मेरा करने का मतलब देखो, यहां पे ए बी सी डी ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है. देखो तो मैं यहां पे आपका नाम गिवन में ओनली आई विल राइट आपका नाम. देखो आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इन ए सर्किल. सर्किल का जिक्र नहीं हो तो ये हो नहीं सकता आपका नाम. तो दिस ड्राइंग कर रहा हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देखिए हाथ कभी कभी मेरा ना देखिए. एंड टू प्रूव इज इक्वल टू आपका देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आपका देखो 180. द अपोजिट साइड्स द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स नॉट साइड्स सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral must be 180 means supplementary. It means angle A plus angle C जो 180 आपका रहा है, angle A is a supplement of angle C and angle C is a supplement of A. Without supplement, supplementary is not possible. Keep in mind that. अब देखिए अगर construction. We didn't need it. इसीलिए मैंने ओ को थोड़ा छोड़ा हुआ. कई बार होता है कि ओ सेंटर तो नहीं है या सेंटर से जा, ओ तो सेंटर होता ही लेकिन सेंटर से तो नहीं जा रही है. बच्चे पूछते नहीं सेंटर से नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही. सेंटर थोड़ा सा नीचे स्किप है आपका. देखिएगा तो कंस्ट्रक्शन में आपका देखो क्या किया आपने, ज्वाइन ए विद सी एंड बी विद डी. बी को डी से आपने ज्वाइन कर बस. अब आपका देखो प्रूफ किथे इथे. चलो जी चंगा फाइन. अब आपका देखो इन आ सर्किल सी जो गिवन है उसका इस्तेमाल तो हमने करना ही करना है. ठीक हो गया, कोई शक है तो बताइएगा जी. अब इनकी नेमिंग कर देता हूं. मतलब अगर मैं भाई में ए बी ए सी लिखूं या आपका देखो बी डी
यहां आपका देखो बी ए सी लिखो, यहां आपका बी डी सी लिखो, इतना बड़ा ना लिख करके आई हैव मार्क्ड एज ए 1 2 3 4 कर दिया मैंने आपका देखो ना। अब आपका देखो फर्स्ट स्टेप में आई एम गोइंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कितना समझते हैं देखिएगा। अब मैं इसको बी सी ए लिखो क्योंकि देखो यहां जा रहा इंग्लिश का मेरा बनाने का मतलब इंग्लिश का एम की बात कर रहा हूं और इसका बेस आपका देखो ना ऐसे ए बी सी नहीं। तो देखिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू वाई जी एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट एंड दैट सेगमेंट इज आपका एबी, एबी पे इंग्लिश का एम बना हुआ है। अगर इसको आप पीछे ड्रॉ करेंगे इट विल जस्ट रीच टू ए एंगल आपका यहां पहुंचेगा फर्स्ट। उसके बाद इस सेकंड में देखिएगा आपका नाम एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। अब मैंने थ्री को लिखता मैं बी ए सी लिखता और उसके बाद आपका नाम देखो इसको इसको लिखता मैं बी डी सी तो थोड़ा सा बड़ा जैसा लगता तो देखना भाई सेम था। इसका मतलब इस वाले के लिए आपका देखिए ये है बाकी यहां पे मैं सेम था यहां पे भी लिख देता हूं क्योंकि ये स्पेसिफाई होना चाहिए। देखो एंगल मेड ऑन आपका सेम सेगमेंट और सिक्स सेगमेंट है आपका नाम देखो बी सी। दिस इज द सी दिस इज द बी ये देखो आपका एंगल थ्री है देखो ये एंगल फोर है आपका देखो नाम और आपका नाम दिस इज द डी। मतलब ये कट मार्क मारने से अगर मैं इसमें नंबरिंग ना करूं और किसी ने मैथमेटिक्स आपकी बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ी है जैसे ये देखो आई हैव रिमूव दिस ये देखो तो बाहर से आने वाला जो बंदा होगा वो तुरंत पहचान जाएगा ये सिंगल कट डबल कट डबल इट मींस कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन फाइन। तो देखो ये मेरा वन टू आगे दिक्कत नहीं है मुझे इसलिए this figure is for this and this figure is for this आपका देखो and equation number one and equation number two on both hands या both sides जो भी आप लिखे आपका देखो angle one plus angle three ऐसे बोलो angle two plus angle four left to left and right to right आपने लिखे एंगल वन प्लस एंगल थ्री एंगल वन प्लस एंगल थ्री देखिए ऐसे बढ़ो एंगल टू और एंगल फोर देखिए ऑन द राइट हैंड साइड देखिए एंगल टू और एंगल फोर को मैं क्या लिख सकता हूं व्हाट कैन आई गेट ए बी सी। जहां पे सूटेबिलिटी है वहां पे मुझे तो द कंप्लीट एंगल इज टू एंड फोर इज दैट इज एंगल ए बी सी। अब जरा ध्यान दें ये देखो कंसेंट्रेट हियर ये अगर आप देखें देखो लेफ्ट साइड में आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में देखो एंगल वन प्लस एंगल थ्री देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है इट्स अ ट्राइंगल इट्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में देखिए वन थ्री और बी अगर मैं इसमें बी जोड़ दू वन थ्री में तो मेरा कंप्लीट ट्राइंगल का पैकेज बन जाएगा मीन्स द सम एंगल सम प्रॉपर्टी आपका। तो ना आप
समझ रहे हैं मेरे बात क्लियर? तो ना अगर 1 प्लस 3 में आई कैन आपका जस्ट ऐड दिस बी यानी कि ए बी सी तो मेरा काम बन जाएगा. इज इट क्लियर? मैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा. तो ये बी मस्ट बी एडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपका जुड़ जाएगा. तो देखो एंगल, तो यहां पे व्हाट आई हैव टू राइट, एडिंग एंगल ए बी सी ऑन बोथ साइड्स. जो आप यहां पे देख रहे हैं आपका देखो ना, इसीलिए आई कंसंट्रेट हियर किया है आपका देखो ना, दिस बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन नंबर 3 में आपका देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इट इज नॉट इफेक्टेड बट इज स्टिल नाउ एंगल ए बी सी ये आपने ऐड किया इक्वल टू देखो ना एंगल ए डी सी में एड दोनों साइड होगा. इफ आई एम एडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट मस्ट बी इट इज मैंडेटरी कि मैं दूसरी साइड भी जोड़ू. अगर आप कहेंगे सर ये मैंडेटरी नहीं है, और क्या हो सकता, ये हो सकता कि अगर आप इसको यहां नहीं ऐड करते तो यहां पे आप लिखेंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट. तो जितना आप ऐड करेंगे प्लस ए बी सी उतना ही आप माइनस भी करेंगे. इज इट क्लियर? दोनों साइड या तो ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए या एक ही साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए या करो. तो मैंने दोनों साइड में किया, दैट्स व्हाई आई रिटन आपका एबीसी एबीसी ऐड. ठीक है, अब देखो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज्ड इन लेफ्ट हैंड साइड. देखो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी मींस 180 इन ए ट्रायंगल the sum of all the angles is 180. We see the triangle sum property used in left hand side. Like this is equal to this. Angle ADC plus angle ABC. Beech wala angle dikhega. Beech wala character dikhega. Beech wala ADC. ADC. Beech wala character dikhega. ABC. And both the vertices are opposite of the center. Center ke opposite mein. एंड कॉन्साइक्लिक ओवर द सर्किल. सर्किल के ऊपर कॉन्साइक्लिक है तो आपका देखो एंगल डी प्लस आपका देखो एंगल बी इज इक्वल टू 180 क्योंकि पहले डी है फिर बी है. देखो अब इसको आप अपने हिसाब से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 करो. ठीक हो गया. अब यहां से भी आपका देखो अब सी in a quadrilateral ABC angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to ठीक है. खाली हाँ करते हैं quadrilateral की सम प्रॉपर्टी क्या होती है. हाँ तो फिर quadrilateral सम प्रॉपर्टी खाली गर्दन मत हिलाइए तभी तो मार्क्स नहीं आते. B plus D B plus D के जगह में पहले angle A plus C को लिख दीजिएगा and you have to write in place of BD 180 आपका देखो 0360 तो ना angle A plus angle C is equal to 360 minus 180 ये आपका OT में चला गया. सो ना angle A plus angle C is equal to 180 sure ना. अब इसको symmetric order में लिख दीजिएगा. ना एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180. ये रिस्पेक्ट में हमने किया था. देखो आपने अगर देखा होगा एक लेटा हुआ ट्रायंगल ऐसे था आपका ना देखो दिस इज द क्लियर. अब ये कोई जरूरी नहीं है अगर आप क्वाड्रिलेटरल की सम प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं. देखिए अपना फिगर में कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट द फिगर. ये देखो आपका ए ए बी अपने इसको यू हैव जॉइंड आल्सो ये भी आपने ज्वाइन कर दिया. ओ से पास नहीं हो रहा. अब आप बिल्कुल इसी की तरफ जैसे बी और डी किया आपने देखो बी और डी के लिए आपने ये और ये करे आपका देखो ये
अब देख रहे हैं बी और डी के लिए। अब ये देखो, अब मुझे अगर चाहिए ए और सी के लिए जाना है तो फिर मैं बिल्कुल वही अपन यहां जैसे मैंने ये वन किया देखो, यहां मैं टू कर देख रहे आपका देखो ये वन और ये आपका देखो ये वन सी और डी के लिए देखो सी और डी के लिए लिया मैंने तो देखो आपका क्या आया बी और डी आया पहले सी और डी के लिए। अब मैं क्या करूंगा आपका देखो ना ए और बी के लिए मुझे लेना चाहिए एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। ये देखिए इंग्लिश का डब्ल्यू एम उल्टा हो गया और ये देखिए वन इज इक्वल टू टू सेम सेगमेंट इसमें देखो सेम सेगमेंट एडी पे बना है देखिए आपका ना आप देख रहे हैं और दूसरा ये सी डी पे बना ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ही आ जाएगा। बारह प्रैक्टिस आपने करनी है मैंने तो आपको सीधा रास्ता बताना है या अगर किसी को तो ये देखिए इसमें हमने कहीं भी वी हैव नॉट आपका नाउ जस्ट पुट द आइडिया ऑफ द थ्योरम कौन सी थ्योरम द फर्स्ट एन आर विच इज सबटेंडेड बाय एन एंगल एट द सेंटर इज डबल देन हमने उसका रिजल्ट और दूसरी थ्योरम यूज किया एंगल मेड ऑन द सेम सेगमेंट ये यूज किया है। This is the result or application of the first theorem. An arc which subtends the angle at the center is double than the remaining part of the circuit. उसकी application या उसी में बनी हुई दूसरी theorem है angle made on the same segment का हमने use किया और use करके वही theorem prove that opposite angles of a cyclic coordinate are not supplementary. ये alternative method में हमने किया। Is it clear? Please do it. उसी theorem को